बिहार के पूर्व मंत्री और जोकीहाट से आरजेडी विधायक शाहनवाज आलम ने वक्फ बिल को लेकर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर मोदी सरकार नजरें गड़ा रही है, जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही चरम पर है, सूबे में लैंड सर्वे के नाम पर लूट मची है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जोकीहाट में बैठक कर अफसरों को कई दिशा निर्देश दिया गया था। फिर एक बार उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि अगर कोई घूस मांगे तो उन्हें फोन कर जानकारी दें, ऐसे लोगों को नौकरी से हटाने का काम उनका होगा। क्यों हड़पना चाह रहे हो भारत में? आप लोग को जानकारी है कि नहीं, हाजी साहब सुन लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के पास है, दूसरा सबसे ज्यादा जमीन भारतीय रेल, जो रेल पे चढ़ते हैं दिल्ली बम्बे पंजाब जाते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा जमीन दूसरा नंबर पे रेलवे के पास है, तीसरा जमीन सबसे ज्यादा वक्फ के पास है। तो ये मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों के पास इतना जमीन होगा, तो वो आज ये बिल लाए। तमाम भारत के लोग मुखालफत कर रहे हैं, सभी जाति के लोग मुखालफत कर रहे हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तो ये सारी चीजें हैं, आप आवाज कर रहे हैं। अब बिहार की बात करिए, बिहार सरकार नीतीश जी की सरकार 20 साल होने वाला है, कितना दिन होने वाला है इस सरकार को, कितना दिन होने वाला है नीतीश जी की सरकार को? 20 साल होने वाला है। इस सरकार में जंग लग गया है, कोई पूछने वाला है? अफसरशाही चरम पे है, कोई किसी सीओ हो, वीडियो हो, अंचल हो, प्रखंड हो, थाना हो, दुश्मनी चरम पे है। हम लोग थक जाते हैं, डर के कोई फायदा नहीं होता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सबको पता है कि नेता क्या करेगा। हम सीओ हैं, हम वीडियो हैं, हम थानेदार हैं, नेता का काम है चिल्लाना चिल्लाते रहेंगे। हम तो सीधा जो देना लेना होता है पटना में भी आते हैं, तो संयम है कोतवाल तो डर कहेगा, यही हाल अभी बिहार का। सर्वे का काम चालू हुआ है, ठीक बात है, आप सर्वे कीजिए, ठीक बात है, आप सर्वे कीजिए, किसका कितना जमीन है वो बताइए, लेकिन सर्वे से पहले क्या काम था? सीओ लेवल पे कितना मोटेशन लंबित है, एडीएम कार्यालय में कितना जमीन का मामला लंबित है, डीएम स्तर पे कितना जमीन का मामला लंबित है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितना जमीन का मामला लंबित है? अगर आपका मंशा सही होता, अगर इस सरकार का मंशा सही होता, तो पहले क्या फैसला उसका कि जमीन से संबंधित जितना समस्या है, जितना बात है, विवाद है, उसको कैंप लगा करके, उसको तेजी ला करके आप सभी जमीन का मामला क्लियर करके तब आप जो है सर्वे पे आते। आज क्या हो रहा है, हर घर में दर्शन का माहौल है, अंचल चले जाइए, चाहे वो जोकीहाट हो, चाहे फरासी हो, चाहे अररिया हो, लोग हुजूम भी कर रहे हैं। हम तो दिल्ली पटना बॉम्बे पंजाब हरियाणा से फोन आता है कि मेरे साहब सर्वे लास्ट तैयार थी, हमारा वो दिल्ली लंचन कमा ले नहीं की हमी हमारे जमीन आग थोड़ा सा जमीन था, तो इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब सुबह का मुख्यमंत्री देगा, जो कि जवाब देने लायक नहीं है। फिर भी हम कहते हैं, अभी हम जोशी में मीटिंग किए हैं और आने वाले 10 दिन में बनारसी में भी मीटिंग करेंगे, आप सभी जिम्मेदार लोग रहिएगा, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और आप लोग से बोलते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, जो कहीं भी रिश्वत मांगे, पैसा मांगे, मेरा नंबर सबके पास है, कोई तो बोल नहीं सकता है। दावा के साथ कहता हूँ कि मेरा फोन बुझाए जो नहीं उठाते, आप फोन कीजिए, अगर कोई पैसा मांगता है तो हम उसके जवाब तलब करेंगे, उसकी नौकरी को बर्खास्त करेंगे। लेकिन होता क्या है, आप लोग यहाँ एमएलए है, मुखिया जी है, गाँव के जिम्मेदार लोग हैं, कुछ ऊंच नीच होता है तो तुरंत घेर लेते हैं, मेरे साहब को मुखिया जी को तुरंत घेर लेते हैं, देखो कर्मचारी के पास हार जाते हैं, कर्मचारी सही बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, चुपचाप कर्मचारी के पास जाते हैं, बेटा जमीन हम उस नाम का अगर फल्ला दे रहे पता चल, अरे 10 आदमी इकट्ठा होकर जाइए कर्मचारी के पास कि मेरा काम है, जायज काम है, करोगे तो करो, पैसा चाहिए क्या चाहिए बोलो, उसका हिम्मत नहीं होगा पैसा मांगने,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाने में लगे हैं, एक दूसरे को हराने में लगे हैं। कर्मचारी क्या होता, हम विधायक हैं, हम जब से आपके पास नहीं आए थे, हम फोन नहीं उठाएंगे, आप जवाब दे दीजिए, मेरे से फोन नहीं उठाएगा। जो कर्मचारी से करना, अगर हम सही हैं तो कर्मचारी का बाप भी पैसा नहीं मांग सकता है, सीओ पैसा नहीं मांग सकता है, एडीएम पैसा नहीं मांग सकता है, डीएम पैसा नहीं मांग सकता है। अपने गांव में एक भूखा लगा और सब लोग 10 साल मिल में जाइए कि हमारा मोटेशन है, कर्मचारी साहब क्या काम चाहिए, सीओ साहब क्या क्या चाहिए, उसके बाद जो मांगने का भी मन करेगा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग तो चुपचाप जाते हैं, फलना जमीन हमर नाम क्या था, कस्ता जमीन हमर बापा नाम क्या था, यही ना करते हैं। तो इस सब बात से बचिए, और जहां मेरी जरूरत है, आप लोग तो चुनाव के बदौलत 6 साल से आप लोग खिदमत कर रहे हैं, जो कि हक का फिजा बदला है, और आप लोग से दुआ की दरखास्त है कि आप लोग का दुआ रहा तो इंशाल्लाह और तरक्की लाएंगे।